हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रेनूबाला क्रिएटिविटी में। और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसके सीखकर आप अपने नए कपड़े को हमेशा नया सा बनाए रख सकते हैं। इसके लिए हमें एक पुरानी टी शर्ट चाहिए। आप शर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन टी शर्ट ज़्यादा बेटर होगी, वो भी फुल बाजू की। तो सबसे पहले मैंने टैग हटा दिया और पीछे की ओर से हम आधा बाजू को कटिंग करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक स्ट्रिप टाइप का कटिंग करेंगे। जितना एक तरफ ऐसे काटेंगे, दूसरे तरफ से भी उतना ही काटेंगे। स्ट्रिप पतली सी 2 इंच की काटेंगे, 2 से 2.5 इंच की। और इसी तरह जैसे कि इस तरफ मैंने काटा है, उसी तरह दूसरे बाजू में भी कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें एक परत ही काटनी है, दूसरी परत नहीं काटनी। और बहुत ही कम मेहनत में मैं ये चीज़ बनाने जा रही हूँ। इसका इस्तेमाल करके आप नए कपड़े को गंदा होने से बचा सकते हैं और बहुत ही काम की चीज़ बनने वाली है। इसका नाम मैं बता देती हूँ, इसका नाम है एप्रन। एप्रन हमें यूज करना होता है किचन में पहन के। तो इसे बनाने का एकदम बहुत ही सरल तरीका है, और ये तरीका मैं आप सभी को बता रही हूँ। ना सिलाई मशीन की ज़रूरत है आपको, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ये स्ट्रिप मैंने जो काटी है, उसे आपस में जोड़ देंगे दोनों मुंह को। इस तरह से मुंह को सुई धागे की मदद से मैं जोड़ दी हूँ। क्योंकि ये गंजी का टी शर्ट का कपड़ा है, तो इसका साइड जो है निकलता भी नहीं है, धागा सिक्योर रहता है। तो ज़्यादा कुछ सिलने की ज़रूरत नहीं है, और हल्का सा तीहन मार देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये फोल्ड हो जाती है गोलाई में। तो इस तरह से देखिए, मैंने जोड़ा मुंह को, दोनों मुंह को। अब जो दोनों का शीर्ष भाग है, मुँह का भाग, उसे हम उसके कॉलर से ऐड करेंगे, कंधे से। इस तरह से हम कंधे से ऐड करेंगे, वो भी सुई धागे की मदद से। बस 2 से 3 टक लगा के ये हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरह से दूसरे कंधे में भी इसी तरह टक लगा देंगे अच्छे से। आप चाहे तो सिलाई मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है, वो भी इसका इस्तेमाल ये बना सकते हैं बहुत कम मेहनत में, बहुत कम टाइम में। बस 2 से 3 मिनट लगते हैं बनाने में, और हमारा ये बनकर रेडी हो जाता है, बहुत ही काम की चीज़। इस तरह से दोनों तरफ से मैंने कंधे को टक कर दिया है। अब इसे मैं पहन के देख लूँगी कि ये सही आ रहा है या नहीं। देखिए, मैंने इसे पहन कर देखा, गले में इस स्ट्रिप को डाली, और जो बाजू है उस बेल्ट के रूप में मैंने यूज किया है। तो मुझे थोड़ा सा कमी लग रही है, यहाँ पर एक टक होना चाहिए कॉलर को बेस बनाते हुए। मैंने फिर से सिलाई की इसे, और अब की बार ये बढ़िया से सिलाई हो गई है। देखिए, कॉलर को ऐड करते हुए स्ट्रिप को लगाना है। मैंने पहले सिर्फ कंधे में ही टक किया था, इस कारण से हमारा कॉलर आगे की ओर ढलक रहा था। तो इस तरह से कंधे को सिलते हुए कॉलर को भी टक करना है, हमें कॉलर्स को भी ऐड कर देना है। और मैंने वही किया, और देखिए इस तरह से सुई धागे की मदद से डबल धागा मैंने यूज किया ताकि मजबूती रहे। और फ्रेंड्स, हाथ की सिलाई भी बहुत ही मजबूत होती है अगर आप ढंग से करें सिलाई। तो ऐसे मशीन से भी आप इसको सिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, हमारा रेडी हो गया, और ये परफेक्ट है, बिल्कुल ही आगे नहीं ढलक रहा है, और ये डबल है कपड़ा, तो गंदा भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।